हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक और वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इंडिया में अब तक कोरोना वायरस से कितने पीपल इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, दो मैं आपको आज डाटा दिखाने वाला हूँ। ये डाटा है आज 27 मार्च 9:15 AM तक का। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया में टोटल अब तक की 27 जो स्टेट्स हैं वो इस कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के, तो यहाँ पे क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ कन्फर्म केसेस है वो 1 है। यहाँ पे कोई भी फॉरेन नेशनल का कोई भी केस नहीं आया है। और उसके बाद अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में जो 12 है वो टोटल कन्फर्म केसेस है, यानी कि 12 लोग जो है वो इन्फेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर भी कोई भी कन्फर्म केस फॉरेन नेशनल का नहीं है। और इसमें से क्या है, तो एक जो नंबर है वो क्योर हो चुका है, मतलब कि एक जो पर्सन जो इन्फेक्ट था उसे डिस्चार्ज या क्योर हो चुका है। अब वहीं बात करें हम बिहार की अगर, तो बिहार में इससे पहले कोई भी केस नहीं था, लेकिन रिसेंटली में 3-4 दिन में 6 केस आ गया है। तो यहाँ पे क्या है, जो नंबर ऑफ केसेस है बिहार में वो 6 हैं, जिसमें से अगर हम देखें तो एक की डेथ भी हो चुकी है। अब वहीं बात करें हम चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में जो टोटल कन्फर्म केसेस वो 7 है। यहाँ पर कोई भी फॉरेन नेशनल इंक्लूडेड नहीं है और यहाँ पर ना कोई क्योर्ड ना ही कोई डेथ हुई है। वहीं अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में जो टोटल कन्फर्म केसेस है वो 6 है। यहाँ पर भी कोई भी क्योर या कोई भी फॉरेन नेशनल का केस नहीं आया है। वहीं अगर बात की दिल्ली की, तो दिल्ली में क्या है, जो टोटल कंफर्म केस है वो 35 है, जिसमें से जो एक है वो फॉरेन नेशनल है। और इसमें क्या किया है कि जो 6 नंबर ऑफ पीपल हैं वो क्योर्ड हो चुके हैं और एक की डेथ हुई है। वहीं अगर बात की गोवा की, तो गोवा में भी पिछले 3-4 दिन में कोई भी केस नहीं था, लेकिन रिसेंटली क्या हुआ, गोवा में भी 3 केस आए हैं। यहाँ पर कोई भी फॉरेन नेशनल इंक्लूडेड नहीं है, ना ही कोई किसी का क्योर ना ही कोई डेथ हुई है। वहीं बात करें गुजरात की, तो गुजरात में क्या है, जो नंबर ऑफ केसेस 42 है, जिसमें एक जो है वो फॉरेन नेशनल इंक्लूडेड है और यहाँ पे क्या है, 3 लोगों की डेथ हो चुकी है गुजरात में। वहीं बात करें अगर हरियाणा की, तो हरियाणा में जो टोटल नंबर ऑफ कन्फर्म केसेस 16 है और जो 14 है वो फॉरेन नेशनल है, यानी कि टोटल जो है वो 30 है नंबर ऑफ केसेस, उसमें से 11 लोग क्योर्ड हो चुके हैं और कोई भी डेथ नहीं है। वहीं अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में 3 नंबर ऑफ कन्फर्म केसेस है और यहाँ पर एक की डेथ हो चुकी है। वहीं अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो यहाँ पे क्या है, 13 टोटल नंबर ऑफ कन्फर्म केसेस है, जिसमें से एक जो है उसकी क्योर हो चुकी है, यानी वो डिस्चार्ज हो चुका है और एक की डेथ हो चुकी है। वहीं अगर बात करें हम कर्नाटका की, जिसका नंबर 55 है, यानी कि जो 55 पीपल से वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 3 का क्योर हो चुका है और 2 की डेथ हो चुकी है। वहीं बात करें अब केरला की, जिसका नंबर 129 है, उसमें से 8 जो है वो फॉरेन नेशनल इंक्लूडेड है, जिसमें 11 जो 11 लोग हैं उनका क्योर हो चुका है और डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं अगर बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख में जो का टोटल लाइक कन्फर्म केसेस कोरोना के वो 13 है, जिसमें से 3 क्योर हो चुके हैं। वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 20 हैं और जो डेथ है वो 1 है। वहीं अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो टोटल कन्फर्म केसेस वो 127 है, जिसमें से 3 फॉरेन नेशनल इंक्लूडेड है। यहाँ पे 15 पीपल जो है वो रिकवर हो चुके हैं और 4 लोग की डेथ हो चुकी है। मणिपुर में 1, मिजोरम में 1, उड़ीसा में 2 लोग, वहीं पुडुचेरी में 1 लोग और पंजाब में 13 3 पीपल जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और पंजाब में जो 1 की डेथ हो चुकी है। वहीं अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में 39 इन्फेक्टेड पीपल हैं, जिसमें से 2 फॉरेन नेशनल के इंक्लूडेड फॉरेन नेशनल हैं और जो 3 है उनको क्योर हो चुका है। वही बात करें तमिलनाडु की, तो यहाँ 23 नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन है, जिसमें 6 फॉरेन नेशनल हैं, 1 क्योर हो चुका है और 1 की डेथ हो चुकी है। तेलंगाना में 35 जो टोटल पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव केसेस है और 10 जो है फॉरेन नेशनल केसेस है, जिसमें से 1 को क्योर हुआ है। और बात करें अगर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में 4 जो हैं वो टोटल कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए, जिसमें से और उसमें 1 जो फॉरेन नेशनल है। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो है जो कोरोना पॉजिटिव केसेस वो 40 हो गए हैं और 1 जो फॉरेन नेशनल है और जिसमें से 11 लोग क्योर हो चुके हैं या डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं अगर बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में जो टोटल नंबर ऑफ कोरोना पॉजिटिव केस है वो 10 है और जिसमें से 1 की डेथ हो चुकी। तो अगर हम इन पूरे 27 स्टेट्स का कोरोना पॉजिटिव केस देखें, तो टोटल नंबर ऑफ कन्फर्म केसेस इन इंडिया वो 677 है, यानी जो इंडियंस है वो 677 है, प्लस जो 47 है वो फॉरेन नेशनल है। तो टोटल अगर हम करें, तो टोटल नंबर कोरोना पॉजिटिव केसेस इंडिया में 724 हो गए हैं
और वहीं बात करें हम क्योर्ड की, तो टोटल जो पीपल रिकवर हुए हैं वो 67 है, और जो टोटल डेथ है वो 17 है, 17। तो दोस्तों अगर आपको ये डाटा देखना है तो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट mohfw.gov.in पे लॉगिन कर सकते हैं, जहाँ पे जो कोरोना पॉजिटिव केसेस है वो स्टेट वाइज उन्होंने दे रखा है कि किस स्टेट में कितने कन्फर्म केसेस, कितने रिकवर हुए या कितनी डेथ हुई हुई है। तो दोस्तों ये जो डाटा था ये आज 27 मार्च टिल 9:15 AM था। तो मैं जो भी अगला वीडियो बनाऊंगा कल, तो मैं आपको इसके रिलेटेड जो पर डे का अपडेशन है कि कितने पीपल इन्फेक्ट हुए हैं ईच डे में, तो मैं उसका डाटा आपको हर दिन देता रहूँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।